हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए ताज़ा ब्लॉग में। तो अभी हम लोग सारे बंदे आ गए एक जगह, हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल मेला में। और ये रहे अपने सारे भाई लोग, ये रहे अपना सल्लू भाई, मिस्टर कुल भाई, अरशद कुरैशी, रुजीत दद्दू। तो अभी हम लोग सारे बंदे अभी निकल चुके हैं यहाँ पे रोड पे, अभी हम लोग आके ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे मेला में, उस दिन हम लोग ने सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाई थी तो आज कवर करेंगे। और आज मौत के कुआं में भी जाना क्या, तो जाएंगे आज का ब्लॉग में मजा आएगा वाकई में। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे और देखते हैं आज का दिन, आज का सफर कैसा रहता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई लोग फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं मेला के अंदर और यहाँ पे देखिए एकदम फिर से हम लोग वही लोकेशन पे आ गए थे जो हम लोग पिछली लोकेशन पे आया था। यहाँ पे मौत के कुआं के पास हम लोग आ चुके हैं और टिकट भी करवा लिया है हम लोग ने। यहाँ पे जितने बंदे आए हैं हम लोग, तो अभी देखिए सब लोग, तो टिकट भी हम लोग ने करवा लिया सब बंदे का, तो सभी लोग टिकट करवा लिए और सारे लोग ब्लॉगिंग में व्यस्त है। मालूम है आज सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ब्लॉगिंग करेंगे और हम लोग खुदी हो चुकी है। फिर अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी ऊपर चढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। हम लोग ऊपर जा रहे हैं और वाह यार, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग मौत का कुआं देखने और यहाँ पर देखिए कितना शानदार। फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम है और यहाँ पर अब आज हम लोग ऊपर से अच्छा अच्छा सीन रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे सारे बंदे आ चुके हैं और मैं भी अभी ऊपर आ चुका हूँ और गजब का मजा आएगा यहाँ पे भाई साहब। तो हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे वो भाई साहब देखिए भाई साहब, तो हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल अंदर। यहाँ पे कौन कौन गाड़ी है, चार बाइक है और चार चार फोर व्हीलर ना, तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिलहाल ऊपर और यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो हम लोग पूरा मजा उठाएंगे। तो मजा आ रहा है और इधर देखिए अपना बंदे लोग, ये रहा अपना रोजी सल्लू भाई, ऊपर चलिए ऊपर, चलिए ऊपर चलते हैं। तो अभी हम चलिए ना आ जाएंगे शूट कर लेते ऊपर। तो अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे अच्छा सीन, वहाँ पर से सीन आएगा ना वो खतरनाक का रहेगा। तो अभी हम लोग ऊपर चले और वहाँ पे देखेंगे कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग फिलहाल काफी ऊपर आ चुके हैं हम लोग अभी और डर भी लग रहा है भाई साहब, ये बात तो है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओ भाई साहब, तो देखिए अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट लेवल मजा आ गया यार, बहुत खतरनाक मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, जब स्टार्ट होगा तो अच्छा से खेलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हम लोग का, फर्स्ट टाइम है अभी मौत का कुआं देखेंगे तो मजा आएगा इधर सब अपना। तो चलिए स्टार्ट होता है खेला तो उसके बाद आपको भी कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग चेक करें कितना शानदार, ओ भाई साहब कितना किनारा है, मौसम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए कितना गजब लग रहा है, इतना गजब का सीन लग रहा है यहाँ पे। अभी हमने
यहाँ पे देखा मौत के कुआं, कसम से बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, कसम से ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो भाई ऐसा कहूँ राइडिंग होता है एकदम, आप लोग देखे हैं तो आप कमेंट करके बताए कि कौन कौन देखा, एकदम नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब हिल गए देखकर, लफ्ज नहीं है मेरे पास। बाबू तुम बताओ भाई, माइंड ब्लोइंग, हम सोच रहे थे कि बाइक ऐसे भी चलता है यार। कसम से अरसा से पूछते इसमें कैसा लगा है भाई, हम बोले ना हमारा दिमाग का फ्यूजा उड़ गया था देख के, इतना खतरनाक चला रहा था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बता नहीं सकते आप। वैसे आप लोग वीडियो में देखिएगा भाई, हम लोग नाम सुने थे मौत के कुआं में कि तनी स्टैंड होता है, लेकिन इस लेवल का स्टैंड वो भाई साहब मैंने तो कभी नहीं देखा, मतलब हिल गया। और जो बंदा लोग स्टैंड करते हैं मौत के कुआं में, कोई सेफ्टी नहीं, नहीं हेलमेट ना ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं, और फिर भी इतना खतरनाक, वो भाई साहब माइंड ब्लोइंग, कसम से बोल रहा हूँ भाई साहब, पहली बार देखा हूँ लेकिन हिल गया अंदर से वो भाई साहब। RX को तो एकदम उसको तो आगाम उतार दिया, रियलिटी बता दिया वो भाई, इतना शानदार, दिमाग खराब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर आगे होगा ना तो मैं देखूंगा। देखने में अरे ऐसे भी बाइक चलता है यार भाई, बाप रे बहुत बवाल, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। अब कोई सेफ्टी नहीं ना हेलमेट, कोई सेफ्टी नहीं, ये होता है असली राइडर, राइडर के बाप जिसको कहा जाता है। तो RX को तो एकदम ले लिया अच्छा से वो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई साहब, मेरा तो हो गया, मेरा हो गया काम तमाम। तो आगे होता है फिर सारी गाड़ी स्टार्ट होगी तो मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, गजब। चलिए आगे आप सबसे बात करते हैं। भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं पागल हो चुका हूं, मैं पागल हूं, पागल हूं। मारो मारो सालो, मुझे मार दो सालो। यार ये भी इंसानियत की हद होती है समझे, भाई साहब मैं बता रहा हूं ना कि आप लोग ने दे, आप लोग को उतना मजा नहीं आया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है हमको ये नहीं पता है, कैसे हो सकता है, बहुत मजा आया भाई, मजा के बाद बहुत ज्यादा मजा आया, वो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, खतरनाक नहीं बता नहीं सकता, इतना खतरनाक मतलब कुछ भी, मतलब किसी का सकल सकल लेके जज मत करना कि कैसा राइडर है कोई। हाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात है, एक आदमी ना दाढ़ी रखे हुआ था, चश्मा पहने हुआ था, वो गाड़ी पर खड़ा होके आगे कोई कलेक्टर होगा, ऐसा वाला बहुत खतरनाक राइडर निकला। तो इस तरह की बातें हो रही है भाई साहब, तो मैं तो कुछ अब नहीं बोलूंगा, मैं अब जा रहा हूँ नीचे, चलना बात कर भाई साहब, तो चलिए मैं अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलिए माइंड बोलोगे यार, चलो चलो चलिए देखते हैं। भाई साहब तो अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं अंदर यहाँ पे यार, इतना शानदार है ना, और ये भी बुलेट चला रहे थे तो काफी, ये RX चला रहे थे इतना गजब ना, और ये बुलेट चला रहे थे, तो अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं अंदर, वो भाई साहब ये इतना खतरनाक है वो यार, बाइक सो के बाइक पे सो के चला रहे थे भाई साहब, ये RX चला रहे थे इतना खतरनाक, ये स्टैंड के हमको तो बहुत अच्छा लगा, ये बुलेट चला रहे थे इतना खतरा। तो अभी हम आपको गाड़ी दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए गाड़ी, ये रहा गाड़ी, वो भाई साहब कसम से बोल रहा हूँ यार, इसका बुलेट का अभी आता हुआ है सलून से, और सब भी अब अर्सद अब अर्सद अति जा रहा है बुलेट चला रहे हैं।
वो भाई साहब इतना खतरनाक, मैं कुछ बता नहीं सकता यार। यहाँ पे हम लोगों ने सारी बात कर ली, सारी चीजों का एक्सपीरियंस ले लिया, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं क्या? तो चला गया भाई, भाई उससे मिल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर निकले गए। हम लोग तो चलिए, हम लोग ने इन लोगों से मिल भी लिया, बातचीत भी की, कुछ सारे एक्सपीरियंस वगैरह लिया, और यहाँ पे लास्ट टाइम देख लीजिए इतना गजब का। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, स्टे कर रहे हैं यहाँ से, और अभी और हम लोग को घूमना है। अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब आए और पहले यही जीत रहे थे। तो चलिए बाहर जाते हैं और अच्छा से एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए आगे आप लोग से बात करते हैं। भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, तो हम लोग को नजर पड़ गया था एक गुड़िया की दुकान पे, वहीं पे डॉल, हम लोग के डॉल के शॉप पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे इतना क्यूट डॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इतना लीजिए यार। गर्लफ्रेंड अब तो ले भी लेते हैं, लेकिन पसंद बहुत है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है, ले लीजिए ना। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम लोग के पास, समझ रहे हैं? तो आए थे, देखे हैं क्या करेंगे लेकर, बंदा के तो कुछ चारों चल जाएगा, हम लोग का कोई चारा नहीं। रोजी तुम्हारा? मेरा तो कोई चारा नहीं, लेकिन क्या करेंगे, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ही। लेकिन एक बात है, बहुत प्यारा दुकान है, प्यारा शॉप है ना, बहुत रंग बिरंग का, बहुत गजब। इन्हीं भैया का दुकान है, गजब लग रहा है यहाँ पे, ये वाला भी बहुत गजब लग रहा है ना, सब एक दाम है, सबका तो गजब लग रहा है। भैया बोल रहे हैं सबका एक दाम है, कितना है? बोल रहे हैं सबका 100 रुपया का दाम है, लेकिन क्या करें, हम लोग ले भी नहीं सकते हैं। चलिए भैया, शुक्रिया आपका। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, आगे और चीज कवर करते हैं। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं अर्जेंट, क्योंकि हम लोग के पास काम आ गया था, ऐसे भी घूम लूम लिए हम लोग, तो पहले भी आए थे। सल्लू भाई लोग अच्छा से नहीं घूमे हैं, बट कोई नहीं, निकलते यहाँ से क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए अब यहाँ से घर निकलेंगे। और अभी हम लोग आ चुके, फिलहाल एक जगह रुके हुए थे, इसीलिए रोज़ा खोलने के लिए यहाँ पे सारे बंदे हैं, और ये रहा हम लोग का रोज़ा का इंतज़ाम हो गया। तो यहाँ पे रोज़ा खोलेंगे सब लोग, तो चलिए रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, वहाँ पे हम लोग ने खाया पिया भी, और अभी आ गए थे होटल में, यहाँ पे पूरा खाने पर भी आया है। अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक मंगवाए, हम लोग नहीं मंगवाए, सल्लू भाई कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाए, तो यहाँ पे खाते होते हैं, उसके बाद घूमते जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या होता नहीं होता। एक जगह हम लोग का एक और काम है, तो वहाँ पे वो काम करेंगे, उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो चलिए घर पे जाके आप लोग से बात करते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं घर पे, वहाँ पे हम लोगों ने मस्त इफ्तारी उफ्तारी की, उसके बाद यहाँ पे आके ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया कि किस तरह का क्या सीन था और क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे सारे बंदे लोग आ चुके हैं, सभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब हम लोग, रात भी काफ़ी हो गई है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा ब्लॉग लगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।